सभापति महोदय, गुलाम नबी साहब ने कहा कि धारा 370 ऐतिहासिक है, मैं इसके विवाद में जाना नहीं चाहता, मगर मैं जो बिल लेकर आया हूँ वो भी ऐतिहासिक है, इतिहास बनाने वाला बिल। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के आवाम आज गुर्बत में जी रहे, गरीबी में जी रहे, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता, वहां की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, वहां के दलितों ट्राइबल के साथ अन्याय हो रहा है, वहां भ्रष्टाचार पनप रहा है, और 370 की छाया में तीन परिवार ने जम्मू कश्मीर को इतने सालों तक लूटा है। सभापति महोदय, विपक्ष के नेता जी ने कहा, कि धारा 370 ने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा है। मान्य सभापति महोदय, ये सत्य नहीं है। महाराजा हरि सिंह द्वारा 27 अक्टूबर 1947 को इस ट्रीटी को जम्मू और कश्मीर साइन किया गया। मैं फिर से इसी कहना चाहता हूँ, 27 अक्टूबर 1947 को, और धारा 370 1949 में आई जम्मू कश्मीर छूटने के बाद 2 साल तक। ये सत्य नहीं है कि जम्मू कश्मीर में भारत के साथ, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ धारा 370 ने जोड़ा है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 ने कभी भारत के साथ एक रस नहीं होने, और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर गुलाम नबी आजाद साहब कहते हैं कि ये गैर संवैधानिक तरीका है, तो वाद विवाद करे, शोर शराबा न करे, संविधान की जिस धारा को वो कहना चाहते हैं इसके अंतर्गत चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूं। संविधान जब बना तब से धारा 370 को अस्थाई माना गया। क्यों अस्थाई माना गया? अस्थाई इसलिए माना गया माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कभी न कभी इसको हटना था, बहुत पहले हटना था, मगर किसी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी थी, इसके आधार पर वोट बैंक बनानी थी। हमें ना वोट बैंक बनानी है, ना हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। नरेंद्र मोदी जी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, इसलिए आज कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को प्रारंभ किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं कि कृपया इस पर चर्चा करिए। देश जानना चाहता है कि इतने समय धारा 370 क्यों चालू रही। देश जानना चाहता है इतने समय कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार क्यों हुआ। देश जानना चाहता है कश्मीर के दलितों को रिजर्वेशन का फायदा क्यों नहीं मिला। देश जानना चाहता है कश्मीर के ट्राइबल को पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला। देश जानना चाहता है 33A के तहत कश्मीर की माताओं बहनों को अपने बच्चों को कश्मीरी कहलाने का अधिकार क्यों नहीं मिला। देश जानना चाहता है सभापति महोदय, सबसे ज्यादा पैसा कश्मीर के अंदर गया, फिर भी कश्मीर का लोग आज गरीब क्यों है वो देश जानना चाहता है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं विपक्ष के सभी सभासदों को, कृपया चर्चा करिए। आप आपके तर्क बेखौफ रख सकते हैं, शौक से रख सकते हैं, मैं हरेक तर्क का जवाब दूंगा, और मैं दृढ़ मान्यता के साथ आया हूं कि धारा 370 हटाने में एक सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.